जैसे शंभू दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, कल हमने जैसे कि डिस्कशन किया था कि हम अगस्त के नीचे हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक ही रिट्रेसमेंट चल रहा है अभी और मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, तो हमने इसमें ट्रेड नहीं करे। लेकिन आज जिसने भी ट्रेड करे, 15 मिनट वालों के लिए तो ये ट्रेड, आज का जो ट्रेडिंग स्टाइल था वो 15 मिनट वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने भी इस कैंडल के, हमने बात की थी कि इसका लो जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हमने जो बात की थी, हमने कहा था कि इसका अगर ऊपर जाके रिटेस्ट होकर एंट्री मिलती है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मार्केट ऊपर तो गया नहीं, रिटेस्ट भी दिया नहीं उसने। लेकिन उसने एक चीज अच्छी करी यहाँ पर, उसने क्या करा, जो हमारा लो था, पहला ये लो जो बना था, इसका ब्रेकडाउन किया यहाँ पर। तो अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ ट्रैक किया है लोगों को। देखिए, बहुत हिम्मत चाहिए थी आज के मार्केट के लिए ट्रेड करने के लिए। आज का मार्केट मेन था 5 मिनट में, जो ट्रेड करते हैं स्कैल्पिंग वगैरह उन्होंने अच्छा आज कमा लिया होगा, लेकिन जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने काफी बार एंट्री और एग्जिट किया होगा। देखिए कैसे, पहली बात तो 15 मिनट की कैंडल का ही, 15 मिनट की कैंडल 294 पॉइंट की है, किसी ने भी इसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के तो एंट्री ली नहीं होगी। और जिसने अगर ली है यहाँ पर एंट्री, इसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के, या तो इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, या फिर मैं पूरा ट्रेड लेके जाऊंगा यहाँ तक का, लोअर तक का। तो अगर कोई ऐसा था तो उसने तो भले ही प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन जो भी ऐसे लोग थे जो पहली 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद भी एंट्री ले लेते हैं, तो देखिए अगर उन्होंने इस कैंडल पे एंट्री ली होगी, इस कैंडल पे एंट्री ली, 100% इस कैंडल पे निकल गए होंगे, इस वाली कैंडल पे। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। देखिए, अगर इस रेड कैंडल पे एंट्री ली होगी तो 100% इस ग्रीन कैंडल पे वो निकल गए होंगे, क्योंकि ये देखिए इसके ऊपर क्लोज हो गई थी यहां पर। और वैसे भी इतना टाइम में, जैसे ये कैंडल है यहाँ पर और ये कैंडल में, ज्यादा इसमें फर्क नहीं है, तो यहाँ पर टाइम डीके की वजह से भी उनका ऑप्शन में टाइम डीके की वजह से जो लॉस हुआ उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस हिट हो ही गया होगा। देखिए, जैसे फिर कुछ लोग होंगे, फिर उन्होंने क्या सोचा होगा, यहाँ पर चलिए रिवर्सल हो रहा है, इस कैंडल पे उन्होंने कॉल की साइड एंट्री ले ली होगी, वो अगली इस वाली कैंडल में, उनका क्या हुआ, इस वाली कैंडल में स्टॉप लॉस गया इस कैंडल में। उसके बाद यहाँ पर जिसने एंट्री ली होगी, अच्छा खासा एंट्री में बैठा होगा वो, यहाँ पर अच्छा खासा बैठा होगा, बैठा होगा, बैठा होगा, वो अगर यहाँ पर नहीं निकला होगा इसके हाई का ऐसा लगा के, अगर बैठा होगा लास्ट तक, तो उसने प्रॉफिट किया होगा। अदरवाइज ये साइडवेज रेंज जो थी हमारी यहाँ पर 11 बजे लगभग, ये चलिए हमारी 2 बजे तक, ऐसा नहीं लगता कि किसी ने यहाँ पे होल्ड किया होगा। तो आज वैसे भी एक्सपायरी का डे था, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी ने ज्यादा रिस्क लिया होगा। लेकिन अगर आपने लिया होगा यहाँ पर रिस्क, और अगर आप इस वाली कैंडल पे स्टिक रहे होंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट में निकले होंगे लास्ट में, क्योंकि मार्केट डाउन में चला गया। तो दो ही लोगों ने कमाया, या तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई पे, या फिर स्टॉप लॉस जिन्होंने लगाया इस कैंडल के हाई पे, या फिर इस वाली रेड कैंडल के हाई पे अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया, या फिर स्कैल्पिंग करते हैं, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने यहाँ पर एंट्री ली होगी इस वाली रेड कैंडल के बाद, तो भी वो, क्योंकि वो 5-5 मिनट की कैंडल पे स्कैल्पिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर डाउन साइड में उन्होंने अच्छा कमा लिया होगा, इस कैंडल के बाद उन्होंने एंट्री ली होगी, काफी अच्छा उन्हें मूव मिल गया, यहाँ पर भी उन्होंने स्कैल्पिंग की होगी, ये जब उन्होंने मार्क कर दिया होगा एक साइडवेज रेंज, तो यहाँ पर भी टॉप पे सेल और बॉटम पे बाय किया होगा। तो उनके लिए, स्कैल्पिंग वालों के लिए आज काफी अच्छा मार्केट था, लेकिन 15 मिनट वालों के लिए, या फिर लॉन्ग टाइम में, टाइम पर जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए इतना खास मार्केट नहीं था आज। क्योंकि देखिए, तो अभी हम देख लेते हैं हमारे कल के इसमें ट्रेड कैसे रहने वाले हैं। देखिए, अभी भी हम अगर इसे देखेंगे तो मार्केट थोड़ा नीचे और आ सकता था, लेकिन पूरी तरीके से खुल के नीचे नहीं आ रहा है ये। अभी हम इसे करते हैं डिलीट ये सबको, और अब अभी भी हमारा ये जो एक बॉट, ये जो हमारा सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा अभी भी हमारा वर्क कर रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक बेयरिश नहीं होना है। और कल के दिन भी यहाँ से अगर आपको एक बॉटम मिलता है यहाँ से, तो हम रिवर्सल का ट्रेड जरूर ट्राई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारा जो रिट्रेसमेंट था ये अभी कंप्लीट हो चुका है। अगर इसे देखेंगे तो पूरा ये ट्रेड, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे, इसका रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और एक्स्ट्रा ही हो गया है ये। अगर अब इसे रिवर्स होना है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, वो रिवर्स कहाँ से हो सकता है ये आपको देख लेते हैं हम। देखिए, रिवर्स कैसे हो सकता है, नीचे आ सकता है मार्केट, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन करके भी रिवर्स हो सकता है,
और या फिर यहाँ से ही थोड़ा नीचे जाकर खुल के, या फिर यहाँ से भी एट प्रेजेंट जहां पर अभी है यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है मार्केट। तो ये सारा अभी हम एज अ रिवर्सल का इसे ट्रीट करेंगे, रिवर्सल की तरह। और अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है यहाँ पर, अब हमें इसके नीचे एंट्री मिलती है और रिटेस्ट होकर एंट्री मिल जाती है, तो हम फिर कॉल की साइड की एंट्री नहीं लेंगे, फिर हम पुट की तरफ ही जाएंगे। हम फिर कॉल का व्यू हमारा पूरा खत्म हो जाएगा और फिर हम आ जाएंगे पूरे बेयरिश मोड में और फिर हम करेंगे राइज ऑन सेल, हमारा शुरू हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पर कल आपको पुट की साइड में ऐसे ही ट्रेड करना है। देखिए ये अगर इसका नीचे आता है, पहला लो बनाता है, ऊपर रिटेस्ट जरूर करेगा, डायरेक्ट तो नीचे आने वाला नहीं है। अगर रिटेस्ट और अगर आ गया तो हमें छोड़ना पड़ेगा ट्रेड, क्योंकि इतनी स्पीड में तो हम बैठेंगे नहीं, चलते भागती ट्रेन में तो हमें चढ़ना नहीं है ना, मतलब स्पीड वाली ट्रेन में, तो एक्सीडेंट होने का डर है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पर, या तो यहाँ से रिवर्सल लेंगे, आप यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं इस पॉइंट से, और या फिर जो सेफ ट्रेडर है वो पैरेलल हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे एंट्री लेंगे। एक हमारा रिवर्सल का ट्रेड बन सकता है और एक हमारा बन सकता है ब्रेकआउट का ट्रेड। तो देख लेते हैं यहाँ पे टारगेट क्या रहने वाले हैं इसके। देखिए टारगेट हमारे रहेंगे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी मार्केट काफी, ये जो जोन अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट काफी साइडवेज जोन में था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था मार्केट में। तो ये सब पूरी एक रेंज जो है ना, ये पूरी एक तरीके से खराब से ही रेंज है यहाँ पर। तो अगर इसके नीचे भी अगर इस रेंज के नीचे अगर मार्केट मिल जाता है, तो आप मैक्सिमम यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं 515,446। लेकिन देखिए इससे पहले इस कैंडल का भी अगर आप लो देखेंगे, तो ये यहाँ पे आपको सब में एक ही सपोर्ट है, सपोर्ट की तरह वर्क करेंगे। तो देखिए जब आप इसके बाद, ये जो साइडवेज जोन है हमारा, इसके बाद अगर आपको एंट्री मिलती है यहाँ पर, इसके बाद या फिर रिटेस्ट होने के बाद आपको एंट्री मिल जाती है, दोनों में से आपको एंट्री मिल जाती है कहीं पर भी, तो आप पहला टारगेट आपका 15,522 रहने वाला है और नेक्स्ट टारगेट आपका 15,446। ये दोनों आपके टारगेट रहने वाले हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आप चलेंगे इसमें। और इस वाली जो ये जोन है यहाँ पर, ये वाला ये जो एरिया बचा हुआ है, इसमें आप ट्रेड करने का थोड़ा इग्नोर कीजिए। यहाँ पे आप ट्रेड कब कर सकते हैं, आपको रिवर्सल मिलता है तो यहाँ पर, अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं रिवर्सल का। और पुट साइड की ट्रेड भी हमने डिस्कस कर लिया, नीचे जाता है रिटेस्ट करके, एक यहाँ पे रिवर्सल बन सकता है नीचे की साइड में, और एक डाउन साइड में हमारा इसके बाद, ये जो लो बनेगा उसका ब्रेकडाउन होने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। दो आपके टारगेट बता दिए, 15,522 एंड 15,446 पुट साइड के रहेंगे। और अगर इसके नीचे आके मार्केट सस्टेन हो गया तो कॉल की साइड की एंट्री लेनी नहीं है फिर, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन करके रिवर्स हो गया तो कॉल की साइड की एंट्री लेनी है। उसके बाद अगर कॉल की साइड की एंट्री होती है तो हमारे पहले टारगेट, देखिए एक तो यहाँ पे हमें हल्का सा मार्केट रोक सकता है, यहाँ पर 15,736 यहाँ पे एक हल्का सा यहाँ पे मार्केट रुक सकता है, थोड़ा सा रुक के उसके बाद ब्रेकआउट होगा, उसके बाद हमारे टारगेट रहने वाले हैं यहाँ तक के, ये हाई तक के या फिर इस कैंडल के लो तक के, ये सब आपके टारगेट है 15,805 और 15,839। ये दोनों आपके कुछ भी टारगेट रह सकते हैं यहाँ पर ऊपर तक, ये सब आपके ऐसे टारगेट चलने वाले हैं। तो इसमें आपके ऐसे ट्रेड रहने वाले हैं कॉल सेट की, और आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर लगाकर देखें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको जरूर लगाना है। देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का टूल आता है यहाँ पर, आप जहाँ पे भी एंट्री मिलती है आपको, जो भी आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं वहां पे इसे सेट करेंगे, और जो आपका टारगेट आप बना के चल रहे हैं, देखिए प्लान के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर देखिए आज किसका लॉस हुआ होगा सबसे ज्यादा, तो आज मार्केट ने सबसे ज्यादा जो ट्रैप किया होगा वो उन लोगों को किया होगा जो भी लोग अनप्लान ट्रेड करते हैं, मतलब कोई भी प्लानिंग नहीं करते, हर कैंडल के हिसाब से ट्रेड करते हैं, आज उनका अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। अगर आप उन लोगों में से आते हैं, आपका लॉस हुआ है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए आपको फिर उसका जो टारगेट रखना है आपको, वहां तक आपको इसको सेट कर देना है। तो देखिए अभी 1.44 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, तो ये भी कम आ रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे मिल जाए, कम मिल जाए, या फिर आपको एंट्री थोड़ी नीचे मिल जाए, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका आता है, देखिए एटलीस्ट 2 का तो होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं 5 मिनट में, तो आप 1:1 का भी ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए जब भी आप ट्रेड लेंगे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ये टूल लगाकर जरूर देखना है, इससे आपका कैपिटल सेफ रहेगा, तो इसे आप जरूर लगाकर देखें। तो अगर आपको, और एक बात और हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, ये सब कर देते हैं डिलीट यहाँ पर, और ये देखिए आज हमने ट्रेड लेने क्यों मना कर रहा था यहाँ पर, ये आपको दिखाते हैं। देखिए हमने क्यों ट्रेड नहीं लिया, ये देखिए यहाँ पर ये लगाया और रेजिस्टेंस यहाँ पे, इसका ये
सपोर्ट लगाया, तो मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन अगर आप RSI में देखेंगे, ये देखिए यहां पर इसके बाद, इस लो के बाद हमारा नेक्स्ट लो ये था, RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, इस लो के बाद हमारा नेक्स्ट लो यहां पर बना, तो फिर उसके बाद मार्केट फिर से यहां पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा था यहां पर, ये देखिए। तो हमने इसमें इसी वजह से एंट्री नहीं ली, एक तो ये डिक्लाइन चैनल है तो बुलिश की तरफ इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, तो कल अगर एंट्री मिल जाती है इसके बाद यहां पर, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, बुलिश की एंट्री हमें रिवर्सल पर या फिर इसके बाद, या फिर इस चैनल का अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, ये भी एक चैनल है ये भी समझ लीजिए, इसके ऊपर मार्केट जाता है ब्रेकआउट पर रिटेस्ट करके एंट्री मिलती है तो भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। आपका पहला ट्रेड का टारगेट ये रहेगा 15,927 एंड नेक्स्ट ट्रेड आपका आज का हाई हमारा जो था यहां तक का रहने वाला है 16,039। ये दो आपके ट्रेड ऐसे भी हो सकते हैं बुलिश की तरफ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।